और इस बीच केरल में धमाके की खबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनाराय विजयन से बातचीत की है। जांच के लिए एनआईए एनएसजी केरल के लिए रवाना हो गई है। एनआईए और एनएसजी की टीम किसी भी वक्त मौके पर पहुंच सकती है और जांच कर सकती है। बिल्कुल, जांच का एंगल हमास की तरफ भी मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दो दिन पहले ही एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में एक रैली हुई थी। समर्थन में रैली होती है और सबसे बड़ी बात, इस रैली में हमास के नेता खालिद मशेल भी वर्चुअली मौजूद रहते हैं, हमास के समर्थन में बातें करते हैं, और ठीक दो दिन बाद ये ब्लास्ट हो जाना बड़ी बात। सुबह के 9:40, जगह शमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एर्नाकुलम केरल। 5 मिनट में एक नहीं दो नहीं तीन सीरियल ब्लास्ट। कन्वेंशन सेंटर में सुबह करीब 9:30 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के खत्म होने के फौरन बाद पहला धमाका हुआ। अभी लोग कुछ समझ पाते तब तक दूसरा धमाका हो गया। पहले और दूसरे धमाके के चंद सेकंड के बाद ही तीसरा धमाका हो गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए हैं। धमाके में 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स के मौत की खबर है। ब्लास्ट के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को कन्वेंशन सेंटर के बाहर लाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चश्मदीद के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के अंदर 3 अलग-अलग ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट ज्यादा तेज था। ब्लास्ट के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुर्सियां आग की लपटों में घिरी हुई हैं। कुछ लोग कुर्सियों को हटाते हुए दिख रहे हैं ताकि आग को और भीषण होने से रोका जा सके। मौके से आई तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद जमीन पर खिड़कियों के कांच के टुकड़े बिखरे हैं। लोगों के सामान तितर बितर हुए पड़े हैं। कन्वेंशन सेंटर का दरवाजा टूटा हुआ नजर आ रहा है। जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। केरल पुलिस और एनआईए टीम की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन बम धमाकों के लिए इनसेंडियरी डिवाइस और आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। बम टिफिन बॉक्स में रखे गए थे। फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच करने मौके पर पहुंची है। मौके से आई तस्वीरों से साफ है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस को प्रार्थना सभा में अलग अलग जगहों पर रखा गया था ताकि अफरा तफरी मचने पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन धमाकों की जद में आए। धमाका जिस कन्वेंशन सेंटर में हुआ है उसका नाम है जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। यहां 3 दिनों तक कन्वेंशन होना था। कन्वेंशन में शामिल होने के लिए 2300 लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन पहले दिन सीरियल ब्लास्ट हो गया। एर्नाकुलम में जहां ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। इसराइल हमास जंग के शुरू होते ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में आशंका जताई गई थी कि भारत के यहूदी स्पॉट आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। धमाके की खबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन से बात की। गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए और आईबी की टीम को भेजने का निर्देश दिया। कन्वेंशन सेंटर में हुए ब्लास्ट की जांच अब केरल पुलिस वहां की फॉरेंसिक टीम के साथ साथ एनआईए और एनएसजी की टीम करेगी। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत में यहूदियों के धर्म स्थल आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। यही नहीं, हाल ही में स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के जिन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था उन्होंने भी मुंबई के चावर्ड हाउस स्थित यहूदियों के धर्म स्थल की बकायदा रेखी की थी। बता दें कि ये चावर्ड हाउस पर 26/11 में भी आतंकी हमला हो चुका है। ऐसे में केरल में हुए इस ब्लास्ट के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि केरल पुलिस और राज्य सरकार की क्या कोई बड़ी चूक सामने आई है।
जिस वक्त एर्नाकुलम में धमाके हुए उस समय केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन दिल्ली में धरना दे रहे थे। ये धरना कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केरल में पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम संगठन लगातार रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को ही एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में भी एक रैली हुई थी। मल्लपुरम में शुक्रवार को फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक और रैली हुई थी। दावा किया जा रहा है कि इसमें हमास नेता खालिद मशेल भी वर्चुअली मौजूद रहा। केरल ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले हमास का एक पूर्व प्रमुख केरल में फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक वर्चुअल रैली को अंजाम देता है और ठीक उसके अगले ही दिन केरल में ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर सिलसिलेवार तरीके से 3 धमाके होते हैं। इस पूरे मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी NIA और तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं कि क्या ये एक आतंकी हमला है और इसके पीछे क्या यहूदियों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। ये रैली एकजुटता युवा आंदोलन जमात ए इस्लामी की यूथ विंग ने की थी। इसमें बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको नारे लगे थे। बीजेपी ने इसे लेकर एक्शन की मांग की है। रैली में पूर्व हमास नेता की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। 24 घंटे पहले ही केरल में केरल सरकार के नाक के नीचे हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हाल ही में हजारों बच्चों और महिलाओं की हत्या की है उन्होंने किया है, हमास के लीडर को मौका दिया जाता है कि केरल के युवाओं को संबोधित करे और जिहाद और हेट और हेटफुल स्पीच के बारे में उनको संबोधित करने का उनको मौका दिया गया था और सरकार केरल सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण कि उन्होंने कोई हस्ताक्षेप नहीं किया, उसमें रोकने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो उस प्रोग्राम के 24 घंटे के बाद हमको उस हेट और जिहाद का जो उनका संबोधन था उसका नतीजा हम आज देखने को मिल रहा है। केरल की रैली में हमास के जिस बड़े नेता खालिद मशाल के शामिल होने की बात कही जा रही है उसके पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। खालिद मशेल 1977 में मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हुआ। इसके बाद से मशेल 1987 में हमास की कुवैती ब्रांच का लीडर बनाया गया। 1992 में खालिद हमास के पॉलिट ब्यूरो का फाउंडिंग मेंबर और अध्यक्ष बने। 2004 में खालिद हमास का सरगना बन गया। खालिद की अगुवाई में 2006 में फिलिस्तीन के चुनाव में हमास ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और सरकार बनाई। 2017 में जॉम खत्म होने के चलते खालिद ने हमास के पोलित ब्यूरो से खुद को अलग कर लिया। एर्नाकुलम में हुए धमाके के बाद पूरे केरल में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर 14 जिलों के पुलिस कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर जगह बस और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। खासकर यहूदियों से जुड़ी जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में यहूदी समुदाय की आबादी 7 से 8 हजार के बीच मानी जाती है। इसमें भी सबसे ज्यादा यहूदी महाराष्ट्र में रहते हैं। भारत में रहने वाले यहूदी समुदाय को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर आते हैं पश्चिमी भारत के बेने इजरायली यहूदी, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के बगदादी यहूदी और तीसरे नंबर पर केरल के कोचीन यहूदी आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बेनेई मिनाशे यहूदी और आंध्र प्रदेश के बेने एफ्रेम यहूदी भी यही रहते हैं। माना जाता है कि भारत में करीब 2000 साल पहले यहूदी आए। कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर केरल के मालाबार तट के जरिए कदम रखा था। फिर धीरे धीरे वो भारत के हर हिस्से में पहुंच गए। केरल के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जा रही है। स्पेशल सेल लगातार खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है।